कैसा था 1947 से पहले का पंजाब? बात 1977 ईस्वी की है, जब उस वक्त भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सरहद का मामला सुलझाने के लिए चीन का दौरा किया। उस दौरान पत्रकारों के वफद में महात्मा गांधी का पोता राजमोहन गांधी भी शामिल था। चीन दौरे के बाद उसने कुछ बातें लिखी थीं, जिनमें से एक हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पत्रकार राजमोहन गांधी ने बताया कि चीनी विदेशी मंत्री के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरहदों के बारे में चर्चा शुरू की, तो उन्होंने तिब्बत, लेह और लद्दाख के इलाके पर उंगली फेरते हुए कहा कि ये इलाके हमारे हैं, इनके ऊपर आपका कब्जा नाजायज है। वाजपेयी की बात सुनकर चीनी विदेश मंत्री ने कहा, ये इलाके महाराजा रणजीत सिंह ने जीते थे, हिंदुस्तान ने नहीं। उस समय खालसा सरकार थी, पंजाब में खालसा राज था, ये इलाके उनके कब्जे में थे। जब कभी सरकार खालसा इसके बारे में बात करेगी तब हम सुनेंगे, आपके साथ बात नहीं हो सकती। पंजाब उस वक्त अलग देश माना जाता था, इतिहास में भी इसके सबूत मिलते हैं। मशहूर कवि शाह मोहम्मद अपनी पुस्तक जंगनामा में लिखते हैं, जंग हिंद पंजाब का होने लगा, दोनों ओर फौजें भारी हैं। देश पंजाब अर्थात 1947 से पहले का पंजाब बहुत बड़ा था, जिसमें लहंदा पंजाब भाव आज का सारा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली भी आता था। उस समय पंजाब की 5 डिवीजन और 29 जिले थे। पहली अंबाला डिवीजन थी, जिसमें गुड़गांव, रोहतक, करनाल, हिसार तथा शिमला शामिल थे। दूसरी डिवीजन थी जलंधर, जिसमें होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, फिरोजपुर तथा कांगड़ा आते थे। तीसरी थी लाहौर डिवीजन, जिसमें लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट, गुरदासपुर और अमृतसर जिले आते थे। चौथी डिवीजन थी रावलपिंडी, जिसमें जिहलम, गुजरात, अटक, रावलपिंडी, शाहपुरा और मियांवाली जिले आते थे। पांचवी डिवीजन मुल्तान डिवीजन थी, जिसमें लायलपुर, जंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान शामिल थे। पंजाब की अपनी बोली थी, अपने रिवाज थे, रहन सहन भी अलग था और पहनावा भी अलग था, और तो और कानून भी अलग था। पर सन 1947 ईस्वी को सियासतदानों ने पंजाब के दो हिस्से कर दिए, एक हिस्से का पाकिस्तान देश बन गया और एक हिस्से को भारत में मिला दिया गया। उसके बाद पंजाब और भी छोटा कर दिया गया। पंजाब में से राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दिल्ली अलग कर दिए गए। आखिरी बार 1966 ईस्वी में एक बार फिर पंजाब का विभाजन किया गया। पंजाब में से दो और राज्य हरियाणा और हिमाचल निकाले गए। चीन के अहलकार आज भी कहते हैं कि इस मामले में भारत के साथ हमारी कोई बात नहीं हो सकती, हमारी संधि खालसा राज के राजा महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुई थी। जब कभी खालसा सरकार बात करेगी तब हम उनसे इसके बारे में बात करेंगे। कमाल की बात यह है कि अभी तक भारत के कई व्यापारिक समझौते सिख राज के नाम पर चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने बाकी ग्रुप्स में भी शेयर करें, अपने फेसबुक में भी शेयर करें, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, गुरुद्वारा बंगला साहब का, गुरुद्वारा सीसगंज साहब का फेसबुक पेज पे जाके उसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी अनेकों वीडियो आप और देख पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।